वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल और इजी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आप इसको जीरा राइस भी बोल सकते हैं, पर मैंने इसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। मैंने इसमें गाजर वगैरह भी ऐड किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। जीरा राइस बनाने के लिए कुकर में हम डालेंगे शुद्ध देसी घी और हम डालेंगे प्याज, दो तेज पत्ता, एक से डेढ़ चम्मच जीरा। जीरा को पहले हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, मुझे पहले ही डालना था, मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो इस तरीके से साइड में फ्राई कर लेते हैं। दालचीनी, लाल मिर्च तोड़ करके डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, तब इसमें हम धुले हुए चावल डालेंगे। चावल को आधा घंटा पहले मैंने भिगो करके रखा हुआ है, अब इसको एक मिनट फ्राई कर लेंगे। चावल को फ्राई करते हुए एक मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर लेंगे और एक मिनट फिर से चावल को फ्राई करेंगे। चावल हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। जितना आप राइस लेंगे बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी में आपको यहाँ पे पानी भी ऐड करना है। अब हम कुकर सेट कर देंगे और एक सीटी आने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो जीरा राइस है पूरी तरह से रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो खिला खिला दाना है वो इसका है, काफ़ी बढ़िया बनकर के रेडी हुआ है। इसमें हल्का सा मैंने गाजर डाल के थोड़ा सा डिफरेंट किया है, जीरा राइस थोड़ा सा नॉर्मल लगता है लेकिन इसमें अगर आप गाजर ऐड कर लेते तो काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें, इसलिए मैंने इसे गाजर ऐड किया है। तब इसको किसी बाउल में हम डाल देते हैं।